केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कोई यूं ही नहीं कहता है कि काम करने वालों के प्रति एक्टिव और बड़ाई करने से भी नहीं चूकते। अब तक अगर आपने उनके काम के तारीफों के बारे में नहीं सुना, नहीं समझा हो तो इस वीडियो में समझ जरूर लेंगे, क्योंकि 17 सितंबर को जब नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के दुहाई इलाके में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तो भरी मंच से ऐलान कर दिया कि अच्छा रिकॉर्ड बनाने वाले और अच्छा काम करने वाले लोगों के काम को अवार्ड दूंगा और बुरे और खराब काम करने वालों को रिटायर कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं और NHAI से तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। अब लोगों को रिटायर करना, सस्पेंड करना, कॉन्ट्रैक्ट को ब्लैक लिस्टेड करना, टर्मिनेट करने का रिकॉर्ड मुझे बनाना है। नितिन गडकरी का बयान सुनिए। मुझे ये भी हमारे आज ये पेरिफेरल रोड पर मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ और अभी हमारे रोड का काम बहुत कुछ हुआ है। अभी मेरी इच्छा है कि मेरे हाथ से बहुत से लोग रिटायर्ड हो, काम न करने वाले, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड हो, किसी की बैंक गारंटी जब्त हो। ये बैठे हुए अश्विन के पदाधिकारी के लिए याद रखना, तुम अच्छा मेंटेनेंस करो। आज मैंने देखा रोड बहुत गंदा मेंटेनेंस था, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और जो गंदा काम करेंगे उनकी बैंक गारंटी जब्त करने के बाद भी उनको हम लोग ब्लैक लिस्टेड कर देंगे और उनको नया टेंडर भरने नहीं देंगे। जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए मैंने अभी चेयरमैन साहब को कहा है कि हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें स्पेशल कैटेगरी ऑफ अवार्ड हम नया शुरू करेंगे। जो मेंटेनेंस करने वाले ग्रीन मेंटेनेंस में जिन्होंने प्लांटेशन अच्छा किया है, ऐसे हाईवे ऑपरेटर को और उसके लिए जिम्मेदार RO और PD को और उस एजेंसी को हम हर साल पुरस्कार भी देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा और जो गंदा काम करेगा उसको सिस्टम से भगाने का काम करेंगे, उसको बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। मैंने अभी राज्य मंत्री को कहा कि आप हर रोड से एमिनिटीज में जाओ, टॉयलेट में जाओ और देखो, और जहाँ खराबी होगा वहाँ डंडा चलाओ। और इसीलिए ये रोड के काम भी मैंने देखे, अभी हम लोग विश्वास रखते थे, अब इसके बाद जो मेंटेनेंस क्वालिटी के हिसाब से नहीं होगा वो चाहे विदेशी कंपनी हो उनको वापस भेजने का काम करेंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे और कहीं टेंडर नहीं भर सकेंगे, ऐसी हालत कर देंगे। तो आप कॉशियस हो जाइए, काम अच्छा करिए, प्लांटेशन करिए और जो आपको मिलता है उसमें देश के पर्यावरण के लिए आप कॉन्ट्रीब्यूट करिए। अच्छा काम करेंगे तो आपको अवार्ड देंगे, आपको पुष्पहार पहनाएंगे, आपका सत्कार करेंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे और अच्छा काम नहीं करेंगे तो NHAI से तुम्हारी छुट्टी करेंगे। अब रोड का रिकॉर्ड बहुत हो गया, अब हम विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गए। अब हमको लोगों को रिटायर्ड करना, सस्पेंड करना, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करना, टर्मिनेट करना, इसका रिकॉर्ड बनाना है। मेरी बात को गंभीरता से लो, अगर आपको लगता होगा तो मैंने राज्य मंत्री को कहा हर रोड पर घूमो। नितिन गडकरी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मेंटेनेंस में खामियों को देखने के बाद काफी नाराज नजर आए। गडकरी ने कहा कि सड़कें और हाईवे बनाने का रिकॉर्ड बहुत हो गया है, विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत ने बना लिया है। खराब काम करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों को चेताते हुए गडकरी ने कहा कि अब हम लोगों को रिटायर्ड और सस्पेंड करने का भी रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, अगर गडकरी के बयानों को आगे देखा जाए तो कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वेस्ट UP और हरियाणा पंजाब के लोग पराली जलाते हैं, जिससे जलाने की वजह से दिल्ली का प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है और इस समस्या से दूर करने के लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर उन्होंने काम भी किया है। हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल के प्लांट का शुभारंभ हुआ और इस प्लांट में पराली से 1,00,000 लीटर प्रतिदिन इथेनॉल बनाया जा रहा है और इसके साथ ही 88,000 टन हवाई इंजन की यहां बन रही है, हवाई इंजन बन रही है, यानी साफ है कि अब हवाई जहाज भी पराली से तैयार ईंधन से उड़ान भर सकेगी। कई मौकों पर विपक्षी नेता नितिन गडकरी की सराहना कर चुके हैं, खुले तौर पर उनकी तारीफ कर चुके हैं। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने भी नितिन गडकरी की तारीफ की थी। सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर गडकरी को धन्यवाद दिया था। विपक्ष अक्सर ये दिखाने की कोशिश करता है कि नितिन गडकरी में मोदी शाह से अच्छे रिश्ते नहीं।
संसद में भी गडकरी के लिए विपक्ष ने कशीदे पढ़े हैं। मतलब साफ है कि नितिन गडकरी की छवि बाकियों से बेहतर है। नितिन गडकरी से जुड़ा कोई गहरा विवाद नहीं है, उनकी छवि जनता और विपक्ष में साफ सुथरी रही है। उनकी ब्रांडिंग हमेशा एक कामकाजी नेता के तौर पर रही, जो विपक्षी नेताओं के कामों से भी रोड़ा नहीं अटकाते रहे। वहीं अगर दूसरी तरफ भी देखें तो गडकरी के विपक्ष तारीफ तो करते ही हैं, साथ में सत्ता पक्ष के मोदी शाह से दूरी की भी चर्चा खूब होती रही। इस दूरी की वजह भी समझ लीजिए, नितिन गडकरी साल 2009 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तब नरेंद्र मोदी ही इकलौते ऐसे सीएम थे जो उन्हें बधाई देने दिल्ली नहीं गए। ऐसा कहा जाता है कि मोदी के विरोधी रहे संजय जोशी को गडकरी ने ही पार्टी में आगे बढ़ाया था और मोदी और जोशी में इतने मतभेद थे कि 2012 में यूपी के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए प्रचार करने नहीं गए क्योंकि वहां के संयोजक संजय जोशी थे। गडकरी की अधूरी ख्वाहिशें भी हैं, ऐसा दावा किया जाता है कि 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नितिन गडकरी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने देवेंद्र फडणवीस को सूबे का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंप दी। गडकरी की ख्वाहिशें भी अधूरी रह गई। अब भले ही मोदी शाह से दूरी हो या नहीं हो, ये तो दूर की बात है, लेकिन अपनी काम के दम पर खुलेआम ऐलान करने वाले कि काम किया तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना, ऐसा इकलौता नेता है नितिन गडकरी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।